ओम शांति। 4/8/2020 की मुरली का सार। मीठे बच्चे, अकाल मूर्त बाप का बोलता चलता तख्त यह ब्रह्मा है। जब वह ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। प्रश्न, अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? उत्तर, ब्रह्मा कौन है और वह ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ हैं, वह कोई देवता नहीं। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। यह सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है। याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो। दूसरा, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना है। वरदान, मन मनाभाव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी ना आए। स्लोगन, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। ओम शांति।